हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवांगनी चौहान। आई होप कि आप सभी अच्छे और सेफ हो। तो राइट नाउ हम इन आगरा। यार इतना बोल रहा है, आवाज गूंज रही है यार, इतना तेज तेज बोल रहे हैं लोग। तो अभी मैं आगरा में हूँ। तो लेट मी टेल यू कि जो शुभम है मेरा भाई, ठीक है, तो ही है शिफ्टेड टू आगरा। तो हमारा बहुत टाइम से प्लान था कि मतलब फॉर अ फ्यूचर थिंग, और जो शुभम का जो ऑनलाइन बिजनेस है अमेजोन वगैरह का, तो वो सोच रहा था मैं कहाँ शिफ्ट हूँ। तो हम सोच रहे थे, तो फिर उसने आगरा चूज करा। तो अभी उसको एक वीक ही हुआ है। तो मैं दौच पे घर पे आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आ जाती हूँ, सेटअप देख जाती हूँ, कभी मुझे आना हुआ करेगा, मैं जहाँ से भी आया करूँगी तो मैं सीधे यहीं आया करूँगी, ठीक है। तो शुभम ने ये लिया हुआ है। सोसाइटी बहुत अच्छी है, बहुत पीसफुल है, सारे घर बने हुए हैं। तो ये शुभम का घर है, ठीक है, जो कि काइंड ऑफ 1 BHK है, ठीक है। मैं आपको घर दिखा देती हूँ, फिर बाहर की सोसाइटी दिखाऊंगी। और यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हैं गली में, और बहुत प्यारे प्यारे हैं, 7-8 डॉग्स हैं। तो शिवम को डेली लाता है, ब्रेड डालता है, रोटी डालता है, कुछ भी नहीं बोलते। हम भी कल आए, बड़े खुश हो गए देख के, ठीक है। तो मतलब काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, बहुत पीसफुल है। अभी मेरा ऑफिस का काम भी चल रहा है, ठीक है, और मतलब ख़त्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट, और शाम हो गई है जैसे कि। तो अभी मैं आपको शिवम का घर दिखाती हूँ, और फिर इसके बाद मैं जा रही हूँ वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट आपने नाम सुना ही होगा, या मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं पता। एक मिनट शुभम, अरे वो नहीं सुन, ये बता वॉलमार्ट है जो, वो क्या है, मैं भूल गई यार, बताना। वॉलमार्ट जो ग्रोसरी का बड़ा हुआ है, होलसेल का है। होलसेल का स्टोर है ना, हाँ। तो वॉलमार्ट जो है ग्रोसरी का है पूरा, बहुत बड़ा स्टोर। तो उसमें हमारे मासी के बेटे वो भी काम करते हैं। शुभम का कार्ड बना हुआ है, ठीक है, तो कुछ सामान लेना होता है तो हम वहीं से ले लेते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ उसको देखने, काफ़ी बड़ा बना हुआ है, तो मैंने कहा मैं यूज़ का कुछ सामान ले लूँगी। उसके बाद कल हमें अपने घर निकलना है, तो हम सिर्फ एक दिन के लिए आए हैं। तो अभी बस मैं वहाँ निकल रही हूँ। मम्मी भी आई हुई है, शुभम का दोस्त है अभिषेक, वो भी है। अभिषेक को आप जानते होंगे, शुभम का फ्रेंड है। तो मैं भी आपको घर का लुक देती हूँ। तो ये सोसाइटी है जैसे कि आप देख सकते हो, चारों तरफ, ठीक है, ऐसे घर बने हुए हैं। ये शिवम के घर का गेट है, और एक गेट जैसे जब हम एंटर कर रहे हैं तो इतनी सारी जगह है, यहाँ पे आप अपना कार पार्क कर सकते हो, ये जगह है, ठीक है, यहाँ पे स्कूटी बाइक लगा सकते हो। एक ये गेट है, एक वो गेट है, ऊपर जीना है, तो हम इसी गेट से मोस्टली जाते हैं। तो यहाँ एंटर होंगे तो ये है काइंड ऑफ ड्राइंग रूम। अभी यहाँ पे शिवम ने मूड़ा ला के रखे हुए हैं ताकि लोग आ जाएं, तो आराम से 4 ये है, 6-2 ये बैठ सकें। अभी अलमीरा नहीं है, अभी अलमीरा का सेटअप नहीं हुआ है, तो इसलिए हमारे बैग्स जो हैं वो ऐसे रखे हुए हैं। ये पेंटिंग है, ये मैंने ली थी अपनी शादी पे, शिवम ने यहाँ लगा ली, अच्छी लग रही है। एक यहाँ फोल्डिंग पलंग ही है, एक गेट ही है जो मैं आपको बता रही थी, ठीक है, ऊपर स्टेयर्स हैं। ये शिवम ने 2 फोल्डिंग ले रखे हैं, मतलब अगर आ जाएं तो आराम से 5-6 लोग सो सकते हैं। तो एक फोल्डिंग इधर है, एक फोल्डिंग इधर है, ठीक है। ये आपका किचन है, तो अभी किचन का मम्मी ने सेटअप कर दिया जितना हुआ सब, पूरा गैस सिलेंडर वगैरह लगा के, बर्तन वगैरह जो है, ठीक है। ये पीछे का एरिया है, ये वॉशिंग मशीन के लिए है मेनली, वॉशिंग मशीन लगा लो और अपना रस्सी वस्सी लगा के कपड़े वपड़े धो लो। और ये इधर वॉश बेसिन है, एक वॉशरूम इधर है, और ये है मेन बेडरूम, ठीक है। तो शिवम ने यहाँ अपना टेबल चेयर का पूरा सेटअप कर लिया है, क्योंकि उसका काम रहता है बैठने का पूरा लैपटॉप पे, इतना टाइम ये है। ये मंदिर लगा लिया है, नया मंदिर लाया शिवम, काफ़ी सुंदर है। और ये हमारा दीवान है, बॉक्स वाला दीवान, इसमें इसका सामान रखा है। और एक वॉशरूम ये है रूम के साथ अटैच। तो अभी इसमें अलमीरा नहीं है, अलमीरा आ जाएगी तो अभी हेल्प हो जाएगी, मतलब धीरे धीरे चीज़ें जुड़ जाएंगी। ये मम्मी है, ये शिवम है। तो शिवम, मेरे को आगरा आकर कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, घर की याद तो नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि भाई अपने फ्यूचर के लिए आया है कोई गाइस, तो फिर वही है कि अपने काम पे फोकस करना है। तो अभी शिवम अपना अभी सुबह से लगा हुआ है काम में, मार्केट वगैरह, क्योंकि अभी भी धीरे धीरे सेटअप चीज़ें हो रही हैं, तो अभी वो अपना काम करने लगा है। मैकबुक कैसी चल रही? बढ़िया, ठीक है, चल कर ले। और वॉलमार्ट कितनी देर में निकलना है? जल्दी चल, ठीक है, ठीक है। यार मेरा ना ताजमहल जाने का भी प्लान है, पता नहीं मैं जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी। और थोड़ा सा ना ये आउटर में है आगरा से, है ना, मतलब एक तो आगरा छोटा भी नहीं है, बड़ा बड़ा है, तो यहाँ से ताजमहल 10-12 किलोमीटर दूर है। तो फिर वही है कि मैं देखती हूँ जा पाती हूँ नहीं जा पाती हूँ। अभी मुझे वॉलमार्ट जाना है, उसके बाद फिर ऑफिस का भी, वॉलमार्ट पास में ही है, यहाँ से जाना है सामान लेने। फिर देखती हूँ ताजमहल का, अगर टाइम मिलता है तो जाऊँगी, अदरवाइज़ कल अर्ली मॉर्निंग अगर जा पाई तो, क्योंकि कल हमें फिर मेरे होम टाउन वापस जाना है, सिकंदरा राव। तो गाइस अभी हम जस्ट घर से बाहर निकले और ये खड़ा हो गया। क्या चाहिए तुम्हें? कल रात को खाना दिया, अभी खाना दे, डरो मत, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही हूँ, ठीक है। तो उसको आ गया, गेट खुला तो उसको लगा कि इसको खाना मिलेगा, तो ये आके खड़ा हो गया पास में। और सुनो, उसको पता है, अभी पहचानता है इतना कि शिवम डेली डालता है ना ब्रेड इसको, तो शिवम का वेट कर रहा है, इसीलिए देखो देखो देख रही हूँ अंदर जा रहा है। इसे हमें पता है कि हम तो है नहीं कुछ, मेन तो शिवम ही है। चुके हैं, ये है वॉलमार्ट, ठीक है, और ये देखो लिखा हुआ है, फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है, तो वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया हुआ है।
तो कस्टमर अट्रैक्ट हो, फ्लिपकार्ट फेमस है तो इसलिए ये लिखा हुआ है। तो अभी हम इसमें अंदर जा रहे हैं। अब पता नहीं इसमें अंदर कैमरा अलाउ है या नहीं। शुभम है, चल ठीक है देखते हैं। यार इसके चक्कर में पता है मैं अपना फोन भूल गई, फोन लेके ही नहीं आई, बस कैमरा पर्स लेके आ गई। सो गाइस अभी कन्हैया भी आए हुए हैं हमारे यहाँ पर। ओ शिट शिट सॉरी, नहीं नहीं सुन, तू तो वैसे तो समझ वाला था नहीं सिकंदरा में, यहाँ आके तुझे क्या हो गया है यार। अब घर में लोग आएंगे तो थोड़ी बहुत गंदगी तो होगी ना, सफेद पत्थर जा रहे थे। हाँ तो वजह था वो के पूछते थे आ भाई कौन कौन रहेगा। अभिषेक मम्मी चाय बना रही हैं, चाय बना दियो। हाँ सो गाइस अभी चाय नाश्ता चल रहा है। कैमरा क्यों, ये होता है कन्हैया जो चीज़ सामने आती है ना वही चीज़ बोली जाती है। ये बताओ कन्हैया नेक्स्ट टाइम वहाँ आएंगे आगरा तो तुम मेरे को जगह बता देना, 5-6 जगह बढ़िया सी एक्सप्लोर करने की, तो उसमें मैं पूरा व्लॉग करूँगी। बढ़िया बढ़िया जगह खाने की और चाय की फेमस जगह सबसे ज़रूर, जहाँ पे जहाँ सबसे अच्छी चाय मिलती हो। चाय बढ़िया मिलती है तो मैं आऊँगी तब नेक्स्ट टाइम पीऊँगी।